मैं नाम गुलाम मुस्तफ़ा है और मैं क्वेटा ग्रीन्स का कप्तान हूँ और बहुत अच्छा मैच हुआ क्योंकि अच्छे अच्छे ग्राउंडों में मैचेस मेरे अच्छे फैसिलिटी हो गए। ऐसा हमारे कोचेस का बहुत शुक्रिया है, ऐसा फैजुल्ला साहब है और चाचा नसरू है, ऐसा जो जो है हम लोग को बहुत फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ग्रीन पिचेज़ में ऐसा ग्राउंडों में भी बहुत कम मैचेज़ मिलते हैं और इस तरह अच्छे फैसिलिटीज़ मेरे, बहुत अच्छा मैच हुआ और मैच विन करके हम लोग। वैसे हम लोग कमाए थे टॉस जीतने से पहले कि मैं हम लोग फर्स्ट बैटिंग करें क्योंकि हम लोग टारगेट था कि 200 से अबव हम लोग करें क्योंकि 25 ओवर हैं। पे टॉस जीत के हम लोग टॉस हम लोग हार गए, मसला नहीं है। फिर उन लोगों ने दिया 163 रन लेकिन हम लोगों ने चेस कर दिया तकरीबन 20 ओवर में। मेरा नाम फैजुल्ला है, मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मंबर हूँ 16। इस तरह टूर्नामेंट बहुत लाजमी है कि साल में 6-7 टूर्नामेंट हो जाए तो हमारे जो यंगस्टर बच्चे 15-16 के उनकी तैयारी भी होगा 16 के लिए 19 के लिए। इस तरह टूर्नामेंट के पीके सिंध और पंजाब में है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम लोग करवा रहे 3-4 साल से, मलिक बदर साहब भी करवा रहे हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, शाहजी भी है। तो इंशाल्लाह इत जुलाई में हमारी कोशिश होगा कि एक के पी के की जो है अंडर 16 टीम आ रही है, एक भट्टाबाद की आ रही है और एक पशीन का होगा और 3 हमारी टीमें बनेंगी। तो ये जब आपस में खेलेंगे तो इनका अच्छा तैयारी होगा रीजन के लिए। मेरा नाम शहराज है और मैं क्वेटा वाइट्स का कैप्टन हूँ। बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स हमारे कोचेज हमें दे रहे, चाचा नसर हो गया, फैजला साहब और शाहजी जो हमें बहुत मौके दे रहे। इस तरह ग्राउंड और इस तरह पिचेस पे कभी मिलते नहीं है तो हम इनके बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हम लोग इतने मौके देते हैं। बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह टूर्नामेंट होने चाहिए क्योंकि इस तरह टूर्नामेंट से हमारे जो यंगस्टर प्लेयर है उनकी तैयारी होती है, फिर हम जाके KPK और सिंध का मुकाबला या पंजाब का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो है टूर्नामेंट ना होने के बराबर, इस वजह से हमारे लड़के जो है आगे जो है नहीं आ रहे।